हेलो व्यूअर्स, बाय ड्रिंक में आपका स्वागत है। यहाँ हम सीखेंगे बाय टेक के कुछ नए नए टॉपिक्स। इस वीडियो के साथ नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये वीडियो इंग्लिश और तेलुगु में भी अवेलेबल है। और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो शुरू करते हैं, चलिए। पिछले वीडियोस में हमने किया था न्यूक्लियस के बारे में। सो न्यूक्लियस के बारे में हमने क्या किया कि न्यूक्लियस एक टूल होता है जीन क्लोनिंग का। जीन क्लोनिंग का टूल्स मतलब हमारे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है हम उसे एम्पलीफाई करते हैं, जिसे कि हम जीन क्लोनिंग कहते हैं। उसकी एक टूल है न्यूक्लियस, जो कि डीएनए को डिग्रेड करती है। डिग्रेड मतलब ब्रेक कर देती है, डिग्रेड कर डीएनए। कैसे ब्रेक करती है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को ब्रेक करके। ओके, बाय ब्रेकिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। अब ये हो गया हमारा न्यूक्लियस के बारे में, जो कि पिछले वीडियो में है। आज हम करेंगे डीएनए लाइगेस। अब ब्रेकिंग वाला तो सिस्टम देख लिया आपने, जहां पे कि डीएनए ब्रेक होता है। अब हम देखेंगे जहां हम डीएनए को ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम डीएनए को ज्वाइन कैसे करते हैं? डीएनए लाइगेस यूज करके। कहां ज्वाइन करते हैं हम, कैसे ज्वाइन करते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को हम सिंथेसाइज करके दो न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया मेरा एक डीएनए, ठीक है। अब इसके बीच में एक निक आ गया, मतलब गैप। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, फिर ये हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, सो जब भी आपका डीएनए ऐसा होता है तो क्या होता है, यहाँ पे हम निक्स को ऐड करने के लिए लाइगेज आके एक्ट करता है इस पे। ये हो गया लाइगेज, जो कि यहाँ एक्ट करेगा और फिर आपकी जो डीएनए है वो फुली फ्लैश्ड हो जाएगी। दिस इज द डीएनए। ओके, सो इसकी मैकेनिज्म क्या है वो जानने से पहले हम चलिए जान लेते हैं कि ये क्या क्या काम करता है, कहाँ कहाँ क्या काम होता है। डीएनए लाइगेज जो है वो 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं मेमेलियन सेल्स में। डीएनए लाइगेज 1, ये कहाँ यूज होता है? लैगिंग स्ट्रैंड में। लैगिंग स्ट्रैंड कहाँ मिलती है आपको? रेप्लिकेशन के टाइम पे। जब भी आपका डीएनए रेप्लिकेट करता है तो क्या होता है कि जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो पूरा ऐसे रेप्लिकेट होके चल जाता है, पर आपकी जो लैगिंग स्ट्रैंड होती है उसमें आपके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को आपको पूरा एक ऐसे डीएनए बनाना है, मतलब पूरा ज्वाइन करना है। तो वो कौन करता है? डीएनए लाइगेज 1 उसे ज्वाइन करता है। ओके, अब आ गया डीएनए लाइगेज 2 और 3। डीएनए लाइगेज 2 और 3 का काम होता है रिपेयर करना, डीएनए रिपेयर में हेल्प करना। सो यहाँ पे कहाँ हेल्प कर रहा है? न्यूक्लियोटाइड एक्साइशन रिपेयर में हेल्प कर रहा है यहाँ पे। सिमिलरली हमारी जो डीएनए लाइगेज 4 है वो कहाँ हेल्प करिए? वो भी रिपेयर में हेल्प करिए। कहाँ? नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग ब्रेक रिपेयर पाथवे में हेल्प कर रही है। अब हमें पता चल गया कि सबका एक-एक करके सबका फंक्शंस क्या है। ओके, डीएनए लाइगेज 1, डीएनए लाइगेज 2, 3 और 4 की फंक्शंस। अब चलो हम जानते हैं कि ये काम कैसे करता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखिए, सबसे पहले जो डीएनए लाइगेज है वो बाइंड करता है एएमपी से। कहाँ से बाइंड करता है? एट इट्स लाइसिन साइड चेन। देखो, एंजाइम विथ इट्स लाइसिन साइड चेन, और यहाँ पे आपका डीएनए लाइगेज जाकर बाइंड करता है और ये यूज करता है एटीपी या एनएडी प्लस को। ओके, सो एटीपी या एनएडी प्लस को यूज करके ये बाइंड करता है। अब बाइंड करने के बाद क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसे कि हम करते हैं एंजाइम एएमपी कॉम्प्लेक्स। ओके, अब ये एंजाइम एएमपी कॉम्प्लेक्स 5 प्राइम फॉस्फेट डीएनए के साथ जाके बाइंड करेगा और ये बनाएगा एएमपी 5 प्राइम डीएनए कॉम्प्लेक्स, और एंजाइम को रिलीज कर देता है। यहाँ पे एंजाइम आपकी रिलीज हो जाती है। ओके, अब ये जो एएमपी फॉस्फेट 5 प्राइम डीएनए फॉस्फेट है, ये जाकर हाइड्रोएक्सिल ग्रुप से ज्वाइन करता है। ये देखो, हाइड्रोएक्सिल हो गया, ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया,
ये दोनों जब ज्वाइन करते हैं तो ये क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज कर देता है एएमपी। ओके, यहां देख रहे हो आप एएमपी रिलीज हो गया और आपका डीएनए के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होती है वो क्रिएट हो गई, तो जिसके थ्रू कि हमारा डीएनए जो है वो एकदम न्यूली फॉर्म हो गया और उसके बीच में कोई भी निक्स नहीं है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो हम इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो जैसे आपने अभी जस्ट देखा कि डीएनए रेप्लिकेशन में यूज कर रहे हैं हम, जहां पे कि ये ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को लाइगेट करता है। फिर हम यूज कर रहे हैं डीएनए रिपेयर में, जैसे कि आपने देखा न्यूक्लियोटाइड एक्साइशन रिपेयर, नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग रिपेयर। फिर आ गया रिकॉम्बिनेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बाद, जहाँ की यूज होता है जीन क्लोनिंग में, जहाँ पे कि आप प्लाज्मिड और वेक्टर्स में यूज करते हो, उसको ज्वाइन करना होता है, प्लाज्मिड्स वेक्टर्स ये सबको ज्वाइन करना होता है। सो ये सब में हम यूज करते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा यूज ऑफ डीएनए लाइगेज। अगली वीडियो में हम करेंगे द नेक्स्ट वन, दैट इज पॉलीमरेजेस। ये था आज का टॉपिक। आपने कुछ नया सीखा होगा। और ऐसे ही कुछ और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बायो ड्रंक। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।